धमतरी में कलेक्टर पीएस एल्मा ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। कलेक्टर पीएस एल्मा ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बेमौसम बारिश से हुए आम जनता की संपत्ति का नुकसान हुआ है। किसानों के खेत में रखे धान और खरीदी केंद्रों में रखे धान भींग जाने से काफी नुकसान हुआ है। नोडल अधिकारियों को नुकसान की समीक्षा के लिए कहा गया। नुकसान का आकलन करने के बाद जहां आवश्यकता होगी वहां प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। तो जो बेमौसम बारिश हुई है उसमें जो आम जनता के संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, विशेष तौर पर जो धान है जो किसानों खेत में रखे हुए हैं उस तरह की, या खेत खलिहान में रखे हैं उस तरह की, और दूसरी हमारे जो खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर खरीदी तेज़ी से चल रही थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में केप कवर वगैरह भी रखे हुए थे, उसको इन्होंने बहुत समुचित रूप से उसको रख रखाव किया है। ये हम लोगों ने नोडल अधिकारियों को भेजा है और कल से ये काम चल रही थी और उसको समुचित रूप से प्रबंधन किए हैं कि नहीं, इसकी जानकारी लेकर हम उस पर समीक्षा करेंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ पर किस तरह की आवश्यकता होगी उसकी उसके लिए प्रतिपूर्ति भी करेंगे वहाँ पर। तो जो